कांग्रेस कमेटी के दर्जनों भर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने ज्ञापन सौंपा। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी रामपुर ने जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार को गिराने का काम किया है, लोकतंत्र की जो हत्या की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा धन बल और बाहुबल के द्वारा, उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है, इसमें हमने उनसे आग्रह किया है इसकी जांच कराई जाए। जिस तरीके से धन बल का और बाहुबल का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस? ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग हैं जो धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। साफ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जमहूरियत खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन विपक्ष ही जमहूरियत को जिंदा रखता है और सत्ता पक्ष के लिए भी हानिकारक है और देश के लिए भी। इसीलिए ज्ञापन दिया डीएम साहब को, राष्ट्रपति के नाम संबोधित है और हम चाहते हैं इसका एक्शन होना।